ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी अंडर एलिमेंट अंडर जो मल्टीप्लिकेशन है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जनरली क्या होता है? तो जनरली यूनिट होता है, इसलिए अब हम लोग इसको यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में कौन सा वैल्यू है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं करेगा, तो वन है। ठीक है, जैसे एडिशन में था कि एडिशन में आप किसी भी एलिमेंट को आप जीरो से ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इसलिए ये जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मैट्रिक्स में लें तो मैट्रिक्स में जैसे मैं बात करता हूँ, हम लोग डिनोट करते हैं आई टू से, टू ऑर्डर का अगर हम ले लें मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सेट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 के लिए क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, ओके। तो आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है क्या, ए इंटू वन, वन इंटू ए इक्वल टू ए, मतलब कि किसी भी एलिमेंट में आप इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे जैसे अगर आप इस तरह का, ये जिसे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी कहलाएगा ना, कि आपने वन को जो है ए के बाद मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो वन के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है? आपका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ये वन आप पहले मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है? प्री मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो इस तरह से भी नाम रखा जाता है, प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये पोस्ट एडिशन, प्री एडिशन। ठीक है ना, ओके। तो ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसके बारे में और एक बात जान लीजिए, कि हम लोग इस थ्योरम को आगे प्रूव भी करेंगे, कि जो नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे क्या नोट है। ठीक है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हो या आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी हो, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है ये हमेशा यूनिक होना चाहिए, इज़ यूनिक इन ग्रुप। ठीक है, अगर आप ग्रुप इज़ यूनिक इन ग्रुप, अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में ये एक ही पीस होगा, ऐसा नहीं होगा ना कि एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ओके, तो आइडेंटिटी के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखें इन्वर्स ऑफ एलिमेंट के बारे में कुछ बताता हूँ, जैसे इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो याद रखिए कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक आप अंडर एडिशन अगर देखेंगे और एक आप देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी हमारा अंडरस्टूड होगा। ठीक है, कैसे अंडरस्टूड होगा? इस तरीके से कि अंडर एडिशन कोई भी एलिमेंट को का जो एडिटिव, अच्छा, अंडर एडिशन इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स जनरली क्या होगा? माइनस ए होगा फॉर एलिमेंट ए। ठीक है, इसलिए कि अगर आप माइनस ए से जो है किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे या एलिमेंट में माइनस ए को ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट आपको जो आपको वैल्यू है वो जीरो मिलेगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो हमको मिलना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, अगर अंडर एडिशन काम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या था इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का? कि इन्वर्स ऑफ एलिमेंट में उस एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कीजिए, चाहे ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, प्री कीजिए या पोस्ट कीजिए, आपको क्या होना चाहिए? आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो एडिशन में जीरो मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में वन मिलना चाहिए। तो एडिशन में किसी भी एलिमेंट को किस एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे कि जीरो मिलेगा? तो उसके माइनस से। तो जनरली एडिशन में किसी भी एलिमेंट ए के लिए जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? माइनस है। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेशन में होगा आपका 1/a फॉर ए। ठीक है, इसलिए कि अगर आप
ए से मल्टीप्लाई करते हैं 1/a को, ठीक है, या आप 1/a में ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी अंडर स्टूड रहेगा, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर नंबर सिस्टम के लिए, और नंबर सिस्टम का जो सबसेट्स है, ठीक है, जैसे एडिशन मॉडलू, मल्टीप्लीकेशन मॉडलू, उन पर भी ये काम करेगा। तो हम लोग अभी देखते जाएंगे, अभी हम भी देखने के लिए बहुत कुछ है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो बस आप सीखते जाएँ, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये अलजेब्रा। अच्छा, अब देखें तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, क्लोज्ड होना, एसोसिएटिव होना, ठीक है, आइडेंटिटी का मिलना और इनवर्स एलिमेंट का मिलना। तो जिस तरीके से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक होता है, ठीक है, उसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए जो इनवर्स ऑफ एलिमेंट होगा यूनिक होगा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक, ये भी आपका यूनिक होगा, ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है, अपने वीडियोज़ में, कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा, दो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का दो इन्वर्स मिल रहा है, ऐसा नहीं, हर एलिमेंट का एक ही इन्वर्स मिलेगा, हाँ लेकिन सारे ही एलिमेंट का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आइए कुछ और देखते हैं हम लोग, इसी में हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, ठीक है, कि जैसे कौन कौन सा सेट जो है आपका वो ग्रुप बनाता है, कौन ग्रुप नहीं बनाता। तो देखिए, मैं जैसे एक मैं पहले एग्जाम्पल थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने के लिए करूँगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल, ठीक है, तो सबसे आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले वो है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जी, ठीक है, जी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको पता है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बताइए, इसमें आता है 0, +-1, +-2, +-3, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि ये अंडर एडिशन, चूँकि जो इंटीजर है, ठीक है, जो सेट ऑफ इंटीजर है ये दो में वर्क करेगा ना, एक तो आपका अंडर एडिशन वर्क करेगा, अंडर एडिशन, ठीक है, यानी प्लस के साथ जी को देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इधर देख लेते हैं हम लोग जी अंडर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, अगर हम लोग एडिशन देखते हैं तो सबसे पहले आएगा कि क्या ये क्लोज्ड है, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, दो इंटीजर का एडिशन इंटीजर ही होता है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा, जी होगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी ये प्रॉपर्टी तो आपका होल्ड कर रहा है, ठीक है, ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइज कर रहा है, ठीक है, ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्लस एडिशन है वो क्या है आपका, इज़ क्लोज्ड, ठीक है, ऑन जी, ठीक है, जी में क्या है, ये क्लोज्ड है, क्लियर है। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेक करें तो कोई भी दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी क्या होता है, जी होता है, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पे इनटू भी जो है आपका वो क्या है, क्लोज्ड है, इज़ क्लोज्ड ऑन जी। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो दोनों में, ठीक है, पाया गया, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। अच्छा, चलिए पहले मैं एडिशन को पूरा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, आप कन्फ्यूज़ ना हो। नंबर टू है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि हम अगर तीन इंटीजर लेते हैं, ठीक है, और तीन इंटीजर को ले करके अगर हम इस तरीके से ऐड करते हैं तो क्या लगता है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी तीन इंटीजर का सेट आप ले लीजिए, कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देयरफॉर जो एडिशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है, इज एसोसिएटिव ऑन जी, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर देखेंगे अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे तो आप कोई भी तीन एलिमेंट लें और उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, तीन इंटीजर होगा तो डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी तीन इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी तीन आप ले लेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनटू है वो क्या है, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव ऑन जी, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब देखिए नंबर थ्री, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि इसमें एडिशन में बात कर रहे हैं तो हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो आप देखिएगा कि डेफिनेटली क्या है, इसके पास में जीरो एलिमेंट है, ठीक है, और जीरो से किसी को भी आप ऑपरेट करेंगे अंडर एडिशन तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है, जीरो चूंकि इसके पास है तो यानी इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो बिलोंग्स टू जी इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसलिए कि अगर हम कोई भी एलिमेंट में जीरो से ऐड करें या जीरो को उसमें ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी इंटीजर में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इधर हम लोग बात करेंगे क्या, इधर हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप इधर बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसके पास वन भी है, ठीक है, ओके। और वन ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यानी इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन बिलोंग्स टू जी, ठीक है, इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके, क्लियर। सो दैट आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि आप किसी भी एलिमेंट पे वन से मल्टीप्लाई करें, वन को ऐसे करें तो आपको ए ही मिलने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप देख चुके हैं ना, प्लस में भी देखे हैं, मल्टी माइनस इनटू में भी देखे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। नंबर फोर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ठीक है, ओके। हाँ इधर आपका एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स, और इधर क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव। इधर भी कर लेते हैं नंबर फोर, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए ना, इधर तो आपको कोई भी एलिमेंट, अगर आप ए लेते हैं, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट इंटीजर ए लेते हैं तो उसके लिए चूंकि इंटीजर का सेट है तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी मिलेगा। तो देयर एग्जिस्ट क्या, माइनस ए बिलोंग्स टू जी, अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव एलिमेंट भी होता है इंटीजर में, ठीक है। प्लस वन है तो माइनस वन भी है, प्लस टू है तो माइनस टू भी है, ठीक है। सो दैट, और हम ये भी देखते हैं कि ए में हम माइनस ए को ऐड करें या माइनस ए में हम ए को ऐड करें, हमको क्या मिलता है, जीरो, ठीक है। और जीरो क्या है, जीरो आपका है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन भी यही कहता है कि इनवर्स एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें जिसको आप एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो ये किसी भी एलिमेंट के साथ में होगा, तो यानी आपको एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर क्या हम लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका फॉर एवरी एलिमेंट या फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी इंटीजर, ठीक है, ओके। अच्छा अब इधर देखें, इधर चूंकि मेन चीज़ आ गया तो सबसे पहला एक तो काउंटर यहाँ पे ये होगा कि इसके पास जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जीरो जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है, बट जीरो हैज़ नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन बाई जीरो,
यानी इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होता है बट इन्फिनिटी तो नहीं होता, ठीक है, जो कि वो एक अनडिफाइंड मैथ का जो है डिजिट है। ओके, तो ये इसके पास नहीं है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आके ये फेल कर गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फेल्योर, इधर इस साइड फेल्योर हो गया। किधर फेल्योर हुआ, अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसमें ये आ करके फेल हो गया, क्लियर है। ओके, तो अब आप देखिए कि यानी जो सेट ऑफ इंटीजर था मेरा है ना, अंडर एडिशन तो वो ग्रुप बनाता है, चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन उसके पास फोर्थ प्रॉपर्टी में वो फेल हो गया, ठीक है। ओके, तो यानी कि ये ग्रुप नहीं बनाता। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, हमारा देखिए जो कंक्लूजन है सोने ये निकलेगा, मैं यहाँ पे कंक्लूज कर रहा हूँ, ठीक है, कंक्लूड कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अंडर एडिशन जो है आपका, अंडर एडिशन और इधर मेरा अंडर मल्टीप्लीकेशन किसके लिए, ग्रुप सेट ऑफ इंटीजर विथ बाइनरी ऑपरेशन, ओ मेरा इधर प्लस है, ठीक है, और इधर मेरा माइनस है। ओके, तो क्या है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो जी प्लस है सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या है, वो आपका एक ग्रुप है, इज अ ग्रुप, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये ग्रुप नहीं है, जी प्लस इज नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप, ठीक है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ग्रुप तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सेमी ग्रुप है, ठीक है, क्या है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन जो जी है अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है, इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप जरूर है, ठीक है। तो अब देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप के लिए सिर्फ दो प्रॉपर्टी चाहिए होता है, ठीक है। सेमी ग्रुप कोई भी ग्रुप आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन। ओके, एक ग्रुप जी विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज सेट टू बी सेमी ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे, कब, व्हेन, ठीक है, इट होल्ड्स, इसमें सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, नंबर वन, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, और नंबर टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है कि उसके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, अगर ये दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सेमी ग्रुप कहलाता है। ओके, तब आप देखिए हमारा जो जी था, मतलब कि जो सेट ऑफ इंटीजर था, ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, ये क्लोज्ड भी है आप देख रहे हैं और क्या है एसोसिएटिव भी है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या बना रहा है, ये आपका सेमी ग्रुप बना रहा है, क्या बना रहा है, सेमी ग्रुप, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में सेमी ग्रुप बना रहा है, ठीक है। ओके, हाँ लेकिन ग्रुप नहीं बना रहा है क्योंकि इसके पास जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है हर एलिमेंट का, उसमें ये फेल कर गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि अगर हम जीरो को हटा दें और नॉन जीरो इंटीजर्स ले लें तो क्या वो ग्रुप बनाएगा, ठीक है, तो एक ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में बिल्कुल आना चाहिए, तो मैं आइए उसको भी दिखाता हूँ कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, ठीक है। देखें तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो जैसे हम लोग जब भी कोई सेट लेंगे तो हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है, ठीक है, या तो हम पूरा सेट ले लें, या तो हम क्या ले लें, या सेट्स में से जीरो को हटा करके लें, तो चूंकि आपको पूरा ग्रुप थ्योरी पढ़ना है तो आगे आपको इस तरह का सेट्स भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नॉन जीरो सेट, ठीक है, सेट है उसके पास लेकिन उसके पास नॉन निगेटिव नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, सेट्स विथ नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि सेट्स पूरा लिया जाएगा लेकिन इसमें जीरो एलिमेंट नहीं लिया जाएगा। ओके, जैसे आप देखें रियल नंबर है, रियल नंबर में अगर माइनस जीरो को हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या, इसको आप डिनोट करेंगे फिर आर स्टार से। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसमें अगर आप जीरो एलिमेंट को हटा देते हैं तो आपका सेट ऑफ
नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका सेट ऑफ इंटीजर है उसमें से आप जीरो हटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर सेट ये ले लिया जाए, ठीक है, तो सेट ऑफ जो नॉन जीरो इंटीजर्स है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्या ये ग्रुप है? तो ये भी ग्रुप नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट ए ग्रुप, इज़ नॉट ए ग्रुप, ये अभी भी एक ग्रुप नहीं है, ये आप सोचें, ठीक है, आप खुद से इसका आंसर सोचें कि अभी भी ये ग्रुप क्यों नहीं है। हमने जो वहाँ पे रीज़न दिया था वो ये कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, लेकिन अब तो जीरो हट चुका है, ठीक है, हमने सारे इंटीजर्स लिए हैं जेड स्टार में, ठीक है, लेकिन ये सॉरी सारे नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, यानी प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है, प्लस माइनस थ्री है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि देखिए ये जो आपका है, ठीक है, जी स्टार अंडर एडिशन तो ये है ही नहीं ग्रुप, इज़ नॉट ए ग्रुप, इसलिए ग्रुप नहीं है कि इसके पास क्या है, इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है ना, क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो जो है वो इसके पास नहीं है, तो इसलिए क्या है ये आपका एडिशन, एडिशन में तो ग्रुप बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में क्या ग्रुप है, तो ये आप इसका आंसर ढूंढिए मेरे वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं ढूंढ पाते तो आप देखें, तो मल्टीप्लीकेशन में भी ये ग्रुप नहीं है, ठीक है, जो जी स्टार है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसलिए कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को आप देखेंगे, जैसे इसके पास एक एलिमेंट टू है, ठीक है, तो टू का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स मतलब किस एलिमेंट से हम टू को मल्टीप्लाई करें कि हमको यूनिटी मिले, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिले, तो वो वन, मतलब वन आना चाहिए, ठीक है, तो टू को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि मेरा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी वन आए, तो वन बाई टू से, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ टू इज़ क्या, वन बाई टू, ठीक है, कि वन बाई टू से हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको रिजल्ट वन मिलेगा, लेकिन ये जो वन बाई टू है आपका ये तो है ही नहीं इसमें, सेट में नहीं है, ठीक है, इसलिए कि जो भी इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होगा वो भी सेट का मेंबर होना चाहिए, तो ये तो सेट में नहीं होता है, सेट में तो सारे इंटीजर्स हैं, और सारे ही इंटीजर का वन को छोड़ करके सारे ही इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है वो आपको उसका रेसिप्रोकल एलिमेंट मिलेगा, और यानी फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा, और इंटीजर्स में तो फ्रैक्शन होते नहीं है, तो यानी कि अभी भी क्या है ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, तो ये इसका रीज़न हो गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग कोई भी सेट देखेंगे ना, तो सेट में हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, कि क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, ठीक है, उसमें तो आपको बात करने में इजी लगेगा। तो जैसे अभी मैंने इंटीजर्स का बात किया है, ठीक है, तो आप बाकी सारे ही सेट्स को इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं किसको, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, अंडर एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडर मल्टीप्लीकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर को अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर को अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ओके, ये सब आप खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल जाएंगे चेक करने, आपको चेक करना चाहिए, तो आप जब चेक करेंगे तो आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, तो आप चेक करें, ये आप चेक करके देखिएगा, ठीक है, ये आपका काम है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये आपका ग्रुप होगा, ठीक है, ये ग्रुप है बिल्कुल, ये भी आपका ग्रुप होगा, आप बिल्कुल देखेंगे आप, कोई आपको दिक्कत नहीं, ये भी ग्रुप होगा, ठीक है, आपका ये भी ग्रुप होगा, ये भी आपका ग्रुप होगा, ठीक है,
ये भी आपका ग्रुप होने जा रहा है, ये आपका ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ग्रुप होगा। अच्छा मतलब मैं तो नॉन जीरो लिया था, तो चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यहाँ पे जीरो भी लिया गया है ना, तो ये नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, वही जो टेक्निक था हमारा, जो कि जीरो का तो नहीं होता, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, ओके। चूंकि इसके पास जीरो एलिमेंट है, दिख रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जीरो एलिमेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो उसका इन्वर्स नहीं मिलने वाला। हाँ, ये अगर आप लेते हैं, ठीक है ना, नॉन जीरो सेट, चाहे आप इसका ले लें या आप रियल का नॉन जीरो ले लें, तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में भी आपको ग्रुप बनाएंगे, या चाहे आप सेट ऑफ रेशनल का ले लें नॉन जीरो सेट, तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में आपको ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ओके। ये सब आपको ग्रुप तैयार कर देंगे, लेकिन जीरो होने की वजह से ये सब ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप सब आप खुद से आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन आपका ग्रुप बन रहा है, कौन आपका ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को देखने हैं, तो वो एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए इसमें एक और चीज़ है, वो है आपका कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप, उसका भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कम्यूटेटिव या बोलें क्या उसको, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये काफ़ी अफेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसलिए कि बहुत इसका असर रहता है, ठीक है, और हम लोग इसको काफ़ी जो है बड़े लेवल पे इसका यूज़ भी देखेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक ग्रुप लेते हैं आप, एक ग्रुप, ठीक है, विथ सेट जी एंड ऑपरेशन ओ, ठीक है, इज सेड टू बी अबेलियन, इसको आप अबेलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, या तो कम्यूटेटिव बोलेंगे, और कम्यूटेटिव, ठीक है, कब बोलेंगे, इफ, जब ये होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू होगा बी ऑपरेशन ए, ठीक है, कोई भी आप दो एलिमेंट ले लें सेट का, उसके साथ जब आप ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको ये मिलना चाहिए, तो ये कम्यूटेटिव यानी कम्यूट्स करना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट अगर ऐसा होगा तो ये कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नॉन कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, ओके। तब आप एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा ये सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप भी है, और आप देखिएगा कि कोई भी दो इंटीजर को आप, चाहे एक इंटीजर को आप ले लें और दूसरा इंटीजर को आप प्री एडिशन करें या पोस्ट एडिशन करें, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आप 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 करो, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो जी प्लस है आपका, वो क्या है, वो आपका एक ग्रुप तो था ही, एक अबेलियन ग्रुप भी है, इज़ एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ओके। अच्छा इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है, ठीक है, इसी तरीके से सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है, फिर आपका सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये भी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है, ठीक है, तो ये सब अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है, आर एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है, ठीक है, ओके। चूंकि जाहिर सी बात है, दो रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, या आप कॉम्प्लेक्स नंबर में करें, रेशनल नंबर में करें, किसी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब आपको एबेलियन ग्रुप बनाएगा, कम्यूट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या है नोट के, देखिए जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा ना, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन और सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये जो है आपका क्या है, ये दोनों अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, डेफिनेटली अबेलियन होगा, इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो अब इसका आप जो भी सबसेट लेंगे, तो सबसेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर एक सेट में होल्ड कर रहा है तो उसके सबसेट्स में भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कम्यूटेटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी, ये जो दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर एवरी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में का जितना भी सबसेट है, यानी ये आपको होल्ड करेगा किसमें, दैट इज होल्ड्स फॉर क्या, रियल नंबर सेट, ठीक है, होल्ड्स फॉर इंटीजर्स, होल्ड्स फॉर रेशनल नंबर सेट, जितने भी सेट्स हैं उन सब में ये आपको क्या करेगा, ये कम्यूट भी करेगा और एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है ना। यानी अगर कोई एक सेट अगर आपका एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है तो उसका सारा सबसेट जो होता है वो भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये नोट बना करके, ठीक है, क्या नोट हो जाएगा, नोट हो जाएगा, ठीक है, इफ ए सेट एस होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ, देन इट्स एवरी सबसेट, इट्स एवरी सबसेट, इसका कोई भी सबसेट आप ले लें, एस डैश क्या सबसेट एस, ठीक है, वो भी होल्ड करेगा, ठीक है, एल्सो होल्ड्स एबव प्रॉपर्टी। तो ये बात याद रखिएगा, मतलब कि आप को जैसे पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, तो अब उसका कोई अगर आप सबसेट पर काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा उसका चेक कीजिए, ठीक है, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपने ग्रुप के बारे में सीख लिया होगा। तो अब जो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है ग्रुप का, हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और कुछ स्पेशल सेट्स है उसको भी देखेंगे, स्पेशल क्लास को भी देखेंगे, और जो फिर रिलेटेड थ्योरम वगैरह है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, पसंद आया तो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, जो कि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको चाहे आपका एकेडमिक हो या आपका कॉम्पिटिटिव हो, दोनों ही केस में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर आपका कंपटीशन भी है लेकिन अगर आपके एकेडमिक में ये वीक था, तो अभी आप इसको स्ट्रांग कर लें, इसलिए कि अगर बगैर कॉन्सेप्ट का आप कंपटीशन निकाल भी लेते हैं तो फिर आगे तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए देखते रहें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।